Good evening to all of you and welcome to the competitive online biology classes. Competitive online biology classes में हम update करते हैं recently पूछे गए questions को explanation के साथ friends, और यहाँ पर CSIR से related different competitive exams से related भी हम यहाँ पर theories भी videos upload करते हैं. तो चलिए आज हम explain करने वाले हैं, discuss करने वाले हैं CG व्यापम के द्वारा लिया गया 14 जुलाई 2019 को लिया गया एग्ज़ाम है लेक्चरर पे. जिस यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों. अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट मी ऑन यूट्यूब डायरेक्टली. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी. यू कैन सी बीओडी आप सबने सुना होगा. पहला कह रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा कह रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा कह रहा है बायोमेट्रिक ऑक्सीजन डीप वाटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज दैट नॉन ऑफ द एवर. तो इसका आंसर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है. तो पहला है वायरस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है माइक्रोस्पोरम एंड चौथा है प्लाज्मोडियम. तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका क्या आंसर. तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बस देखना है कि कौन सी से जोड़ी यहाँ पर मिलती. तो वायरस से जो है कॉमन कोल्ड होता है, साल्मोनेला से टाइफाइड होता है, पर तीसरा जो है वो फाइलेरिसिस नहीं होता है. ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो माइक्रोस्पोरम होता है एक तरीके का फंजाई फैमिली का होता है, फंजाई होता है, फंगस होता है जो कॉज करता है फंगल इन्फेक्शन, वो भी स्किन में फंगस स्किन डिसीज कॉज करता है. और जो फाइलेरिसिस होती है, ये फाइलेरिसिस डिसीज होती है हेलमिंथिस फैमिली के हेलमिंथ से होता है, या आप कह सकते हैं राउंड वर्म से होते हैं. तो इस तरीके से जो है दोनों मैच नहीं कर रहे हैं. तो हमारे ए बी सी डी में जो सही जुड़ी नहीं है वो है सी है, माइक्रोस्पोरम इज नॉट मैच्ड विद दैट फाइलेरिसिस, या इसको कहते हैं हेलमिंथियसिस. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे. देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, योगहार्ट बनाया जाता है, द योगहार्ट इज मेड फ्रॉम. पहला लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, तीसरा है सॉरी दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, और तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली से ही क्रीमोरिस, एंड चौथा है मिक्स्ड कल्चर ऑफ ए एंड बी, मतलब लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. तो आंसर इसका फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है दोनों ही है, दोनों से मिला के योगहर्ट बना जाता है. आपको याद रखना लैक्टोबैसिलस भी होता है योगहर्ट में और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है. देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पैलियोजोइक इरा के किस पीरियड में प्रथम कशेरुक अपीयर हुआ, मतलब दिखा. इन विच पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर्ड. अब देख सकते हैं चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑर्डिविशियन, डिवोनियन, सिलोवेरियन, मिजिपियन. तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है आंसर आपका चौथा, पहला है ऑर्डिविशियन पीरियड में. तो देखिए इस पैलियोजोइक इरा जो है इस पैलियोजोइक इरा में कार्बोनीफेरस है, ऑर्डिविशियन है, सिलोवेरियन है, डिवोनियन है, ओके कैम्ब्रियन है, और आपका आपका नेक्स्ट है परमियन है. तो इस तरीके से डिफरेंट एजेस हैं इनवर्टिब्रेट के, वर्टिब्रेट्स के, प्लांट्स के, और जो परमियन है ये एज ऑफ रेप्टाइल्स कहलाता है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा जो आंसर है वो ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ डक्टस कोलोडिकस इज कैरी, या आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं डक्टस कोलोडिकस का कार्य किसे कैरी करना होता है. पहला ओवा, दूसरा बाइल, तीसरा यूरिन, चौथा स्पर्म. दो ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहे हैं दोस्त, मैंने उसको पढ़ दिया है. तो इसका आंसर है बाइल. तो यहाँ पर बायस क्यों है मैं पहले आपको क्वेश्चन से बता देती हूँ. एक्चुअली में डक्टस कोलोडिकस होता क्या है, तो डक्टस कोलोडिकस क्या होता है, हीपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट. हीपैटिक डक्ट जो होता है एक्सक्रीटरी डक्ट होता है, नलिका होती है एक्सक्रीटरी नलिका जो लीवर से निकलती है, और सिस्टिक डक्ट क्या होता है गाल ब्लडर का नेक पासेज जो कनेक्शन होता है. इन दोनों को का
दोनों को साथ में जब रहता है, दोनों की कॉम्बाइंड फॉर्म को क्या कहते हैं, डक्टस कोलिडिकस कहते हैं। तो डक्टस कोलिडिकस जो है ये क्या करता है, बाइल्स को कैरी करके रखता है। तो आंसर विल बी सेकेंड बी। सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करेक्ट वर्जन ऑफ द डिफेक्टिव जीन इन ऑल सेल ऑफ इंडिविजुअल इज अचीव्ड बाय, या आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, सभी कोशिकाओं या कोशिकाओं में डिफेक्टिव जीन, जो डिफेक्टिव टाइप जीन रहते हैं, का करेक्शन नया किया जा सकता है। इन चार तरीके के मेथड्स हैं, पहला जर्म लाइन थेरेपी, सोमेटिक सेल थेरेपी, जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी, और चौथा ऑप्शन है करेक्टिव जीन थेरेपी। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहती हूँ कि सारे जितने भी चार ऑप्शन दिए, सारे के सारे जो है ये जीन थेरेपीज हैं, और सारे ही जीन को करेक्शन करने के लिए यूज होता है। बट द डिफरेंस इज दैट, पहले हम बात कर लेते हैं जर्म लाइन थेरेपी क्या होती है। जर्म लाइन थेरेपी होती है कि जो जर्म सेल्स होते हैं डायरेक्टली उस पर नए जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और डिफेक्टिव जीन को हटा देता है पूरा पूरा। आप ये बोल सकते हैं फीटस में भी हो सकते हैं, एग सेल्स में भी हो सकते हैं, या स्पर्म में भी हो सकते हैं। तो इट विल बी कैंसल, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा हम देखते हैं सोमेटिक सेल थेरेपी में क्या होता है, ये इसको हम एम्ब्रियो थेरेपी भी बोलते हैं या फीटल थेरेपी भी कहते हैं। यहाँ क्या किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है नए जीन को, 2 से 10 के दिन के जो ओल्ड एम्ब्रियो रहते हैं उस पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर जीन ऑग्यूमेंटेशन और करेक्टिव जीन की जब बात करते हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि जब जीन ऑग्यूमेंटेशन क्या किया जाता है, नॉर्मल जीन को रिप्लेस किया जाता है डिफेक्टिव जीन के फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए। ओके, यहाँ पर फंक्शन की बात कर रहा है। लेकिन करेक्टिव जीन थेरेपी क्या होती है, यहाँ पर ये क्या करता है, रिप्लेस करता है डिफेक्टिव जीन को पूरे पूरे नए जीन से। तो हमारा आंसर क्या होगा, चौथा आंसर होगा, जहाँ पर टोटल सेल्स को ये रिप्लेस करता है। सेवन नंबर ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इन द डीएनए हेलिक्स साइटोसिन पेयर विद गुआनिन बाय, डीएनए में जो हेलिक्स हेलिक्स की स्ट्रक्चर होती है उसमें साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस गुआनोसिन से कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है वी ऑल नो, बट कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, यहाँ पर आपको बॉन्ड दिया हुआ है फॉस्फेट बॉन्ड, दूसरा कोलेंट, तीसरा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और चौथा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर साइटोसिन और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। सो द आंसर विल बी डी ओनली। एंड 8th क्वेश्चन आस्किंग दैट द इंक्यूबेशन पीरियड डेज इन गैलस केलस, ये जो गैलस गैलस है ये एक तरीके का चिकन, डोमेस्टिक चिकन की स्पीसीज होती है, और इनमें जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक हैचिंग की पीरियड होती है वो 21 डेज होती है। तो आंसर विल बी बी सेकेंड। द 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू मीन्स नाम से समझ में आ रहा है कि चारों जो ऑप्शन है, पहला दिया हुआ है क्रॉप्स ऑयल सीड्स, तीसरा है फिशरीज एंड चौथा है एनर्जी सोर्स। तो आपको याद रखना है ब्लू जो है, जो ब्लू कलर है समुद्र के कलर से नीला नीला, तो 9th नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है फिशरीज। ब्लू रिजोल्यूशन या ब्लू जो क्रांति है, नीली क्रांति, वो फिशरीज के लिए थी। 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग मार्सुपियल कंगारू इज ओविपेरस, विविपेरस और ओविविपेरस, और एक भिन्न कैटेगरी या डिस्टिंक्ट कैटेगरी का है। तो आपको याद रखना है कि जो ये है 10th नंबर है उसका आंसर बी है, ये कंगारू जो है कंगारू जो वीवी पैरस का होता है। तो वीवी पैरस होता क्या है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, वीवी पैरस वो स्पीसीज, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो को बॉर्न करते हैं, बच्चे देते हैं, और उनकी जो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है वो मदर के बॉडीज की आउटसाइड होती है, बाहर होती है। पर जो ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस क्या होते हैं, वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, मतलब अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। सो नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ओवी पैरस और वीवी पैरस क्या है।
तो वीवी पेरेस मतलब अर्ली एज, अर्ली एम्ब्रियो देने वाले, और कंप्लीट डेवलपमेंट मदर के बॉडी के आउटसाइड होता है, और ओवी पेरेस मतलब एक देने वाले। तो आंसर विल बी बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन इज कॉल्ड। देखो चारों ऑप्शन है प्लेसेंटा के टाइप्स हैं, लेकिन ह्यूमन में जो पाए जाने वाले टाइप है वो है डिस्कॉइडल टाइप का फर्स्ट। तो 11वें नंबर जो क्वेश्चन हमारा आंसर है डिस्कॉइडल, बाकी चारों भी हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगी। 12th नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग एनिमल हैविंग बोथ सीटी एंड नेफ्रिडिया, सीटी बॉडी की स्ट्रक्चर में होते हैं और नेफ्रिडिया जो है एक्सक्रीशन के लिए होता है। तो देखिए सी एनिमोन, सी पेन, सी माउस और सी अर्जिन चारों हैं। ये पीएमटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये दोनों जो है 11th और 12th नंबर हैं। पीएमटी के क्वेश्चन है डायरेक्टली कर्व पेस्ट किए हुए हैं। तो 12th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका सी, सी माउस, क्योंकि सी माउस जो है वो एक तरह एक क्या है एक ये एनिलिडा का फैमिली का होता है। तो जो ये दोनों जो है सीटी और जो नेफ्रिडिया है ये एक्चुअली में एनिलिडा फैमिली में फाइला में पाई जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सी माउस जो है एक एनिलिडा है, बाकी सारे जो है आपके एनिलिडा फैमिली के नहीं है, एनिलिडा फाइला के नहीं है। जंतुओं में दगनला बीमारी किसकी वजह से होता है, दगनला डिसीज इन एनिमल इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सोडियम सिलिकॉन सेलेनियम मैग्नीशियम। सेलेनियम की वजह से ही ये डिसीज होता है, और अधिकतर ये कैटल और बफेलो में पाया जाता है। इंडिया में ये कैटल्स और बफेलोस में होता है, क्योंकि ये फीड करते हैं ऐसे पेडीज को जो वेट दे गेट वेट ड्यूरिंग द मैचुरेसिंग स्टेज एंड विदाउट प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्लांट्स। इस तरीके के प्लांट्स को जब खाते हैं कैटल्स और बफेलोस तो उन्हें ये दगनला डिसीज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज, वी ऑल नो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कवासीओरकर, ट्यूबरकुलोसिस, इन चारों में से कौन सा है। ट्यूबरकुलोसिस, यस ट्यूबरकुलोसिस इज डी, डी इज आंसर। एमनियोसिंथेसिस किसे जानने की प्रक्रिया है, एमनियोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ नो अबाउट ब्रेन डिसीज, ग्रो सेल ऑन कल्चर मीडिया, डिटरमाइन डिसीज ऑफ द एम्ब्रियो एंड डिटरमाइन म्यूटेशन। इसका आंसर है सी, भ्रूण की बीमारी जानना। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी एंड एंथोलॉजी। डेमोग्राफी इज नोन एज ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी, ए इज आंसर। प्रोटोथीरियन हैव इवॉल्व फ्रॉम, प्रोटोथीरियन का विकास किससे हुआ है या किनसे हुआ है, पहला रेप्टाइल से, दूसरा बर्ड से, तीसरा ईथुरियन से, चौथा है एम्फीबियन से। तो प्रोटोथीरियंस, प्रोटो मींस फर्स्ट, थीरियन मींस बीस्ट। तो इस तरीके से ए जो है रेप्टाइल, इनसे ये इवॉल्व नहीं हुए हैं, एम्फीबियन से नहीं है, क्योंकि प्रोटोथीरियन जो है यूथीरियन और मेटाथीरियन के बीच की विकास की कड़ी है। तो जो बर्ड्स होते हैं बर्ड से कुछ मिलते जुलते हैं और बहुत हद तक ये यूथीरियन से मिलते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वी कैन नाउ चूज द आंसर ऑफ 19 इज सी, बट आप बी और सी से दोनों से कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक क्योंकि यूथीरियन से मिलते हैं इसलिए यहाँ पर आंसर होगा सी, आंसर विल बी सी। दूध के पीले रंग की क्रीमी लेयर बनती है, अ येलो कलर इन क्रीमी लेयर ऑफ मिल्क मे बी कॉज्ड बाय स्यूडोमोनास, द सेकेंड स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास के दो स्पीसीज है और यहाँ पर सी दोनों ए प्लस बी एंड डी स्यूडोमोनास की एक और है मार्सिनेसेंस। तो आंसर विल बी सी ओनली। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।